शनिवार दोपहर 12 बजे नगरपालिका परिषद कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में आने वाले पर्व और त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि नगर में होली का पर्व शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पॉइंट बनाकर पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित है। परंपरा अनुसार त्यौहार मनाया जाएगा। होली पर तेज गति से दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर भी चालानी की जाएगी। रेलवे गेट पर फेल अतिक्रमण को लेकर भी बैठक में दुकानदारों ने ज्ञापन दिया। इस दौरान नागरिकों ने भी शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की बात कही है। इस दौरान कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नागरिकों से शांति समिति के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे, उनने जो बताया है उसके मुताबिक वैसे भी व्यवस्था लगती रही है, प्रतिवर्षानुसार इस पर भी व्यवस्था रहेगी। कुछ सुधार व्यवस्था बताए गए तो सुधारों को भी हम करेंगे लागू, और कुछ और दूसरी कुछ छोटी मोटी चर्चाएं हैं, महिलाओं की कुछ आपत्ति है, इन्हीं विषय में नगर पालिका से जुड़े मैटर हैं उसी के हिसाब से बात हुई है, उनको भी हल कर दिया जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है जिनको बातचीत के जरिए हल ना किया। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर सर कोई किस प्रकार? देखिए, इस चीज़ का मैंने सभी को बताया कि चूंकि हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उसकी टाइम सीमा तय है, और जिला प्रशासन द्वारा 144 धारा अभी प्रभावशील है, तो इन सभी प्रावधानों को दिमाग में रखते हुए शांतिपूर्वक सभी त्यौहार मनाएंगे हम लोग। किसी धार्मिक कार्यक्रम में और त्यौहार में प्रशासनिक रूप से कोई अड़चनी नहीं पहुँचाना चाहते और न पहुँचाएंगे, लेकिन नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो प्रशासन का सहयोग करते हुए इन दोनों चीज़ों का विशेष रूप से। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।